नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, जिस तरह से इस चुनाव में राजनीति हुई जमकर सत्ताधारी दल द्वारा, और जिस तरह से विपक्ष लड़ता रहा, उसको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और पंचायत का चुनाव, आप समाजवादी पार्टी का हार का कारण क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव में हार का कारण जिस तरीके से BDC और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, जब ये चुनाव आम जनता के माध्यम से हुआ था, तो उसमें आम जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया और ये पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों का अध्यक्षों का चुनाव शुरू हुआ, वैसे ही शासन और सत्ता की गुंडई खुलेआम पूरे देश और प्रदेश ने मीडिया के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से सत्ता सरकार ने खुलेआम गुंडई किया, किसी का घर गिराया, किसी को जो है कि पर्चा नहीं भरने दिया। जिस तरीके से आपने देखा, वो जो महिला थी अनीता यादव, जब पर्चा भरने जा रही थी तो किस तरीके से उसका चीरहरण करने का काम इन लोगों ने किया, महाभारत काल को याद दिलाने का काम किया है। जिस तरीके से वो जो ब्राह्मण BDC प्रत्याशी था, उसके घर को गिराया गया, उसके पूरे रास्ते को खन दिया गया, तो ये एक घटना नहीं है, तमाम घटनाएं हैं जो जिसका जीता जागता उदाहरण है। और यह प्रशासन और शासन, SP और DM ये चुनाव लड़ रहे थे, ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, ये प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जवाब उनको 2022 में आम जनता देगी। क्या लगता है आपको, सत्ता के सामने जो प्रशासन था अपंग हो गया? सत्ता के सामने प्रशासन अपंग भी था और उनका गुलाम था। शासन और सत्ता के सामने अधिकारियों ने, ये चुनाव आयोग को आप देख लीजिए, कहीं उसका एक बयान है? चुनाव आयोग तो पता ही नहीं चला कि चुनाव आयोग भी यहाँ पर कहीं है। और अधिकारियों ने खुले गुंडाई किया, किसी के घर को नपवाने का काम किया, किसी के घर को गिराने का काम किया, किसी को जेल में डालने का काम किया, तो खुलेआम गुंडाई हुई है। और निश्चित तौर से भाजपा के ये जो गुंडे हैं, इनका जवाब 2022 में आने वाली जनता इनको जो है कि अपना वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे करके इनका जवाब हिसाब किताब जनता लगाने जा रही है। ये आम चुनाव होगा, ये सत्ता और सरकार और गुंडई के दम पर नहीं होगा। और ये आप देख लीजिएगा कि हम लोग आज क्या कह रहे हैं। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, पंचायत, जिला पंचायत का चेयरमैन का चुनाव, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई, क्या इसका असर 2022 के चुनाव में पड़ेगा? 2022 के चुनाव में ये आम चुनाव होगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें आम जनता वोट देगी। BDC और जिला पंचायत के सदस्य चुनाव वोट नहीं करेंगे, यह तो गिनती का वोट था। आपने सत्ता, शासन, दबाव, जेल, घर, मकान गिरा करके जो लिया है, ये आम जनता है, आम जनता इसका बदला लेगी। और ये 2022 का चुनाव, कोरोना का जो काल था, जो आपका कुप्रबंधन था, जैसे आपने लोगों को बेड नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, दवा नहीं दी, आप लोगों को लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिली, लाशें गंगा में तैरती रहीं, आप लोगों ने खुलेआम देखा है, चुनाव उस पर होगा। आज जो महंगाई है, महंगाई पर कोई बहस नहीं इनकी। आज डीजल जो है 100 रुपया लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, कड़ुआ तेल 200 रुपया लीटर हो गया, महंगाई चरम पे जा रही है, रोजगार कहीं आपके पास है नहीं, तो आप कर क्या सकते हो? आप गुंडई कर सकते हो, गुंडई के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो सीमित चुनाव था, आपने गुंडई किया। जिला पंचायत और BDC के चुनाव में जब आम चुनाव हुए तो जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया। उसी तरह से 2022 में आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा और 350 से ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीत करके सरकार बनाएगी और इन गुंडों का हिसाब हो जाएगा। 15 जुलाई को आप लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या है? 15 तारीख को जो आंदोलन है, वह जो सरकार जिस तरीके से खुलेआम गुंडई किया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से यह आया है कि हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जाकर के ज्ञापन दें, धरना दें, प्रदर्शन दें, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से ATS की कार्रवाई पर कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, क्या ये जायज है? देखिए, जो ATS है, हम लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जब चुनाव नहीं रहता है तो कोई आतंकवादी नहीं आता। जब लोकसभा का चुनाव आया तो आप लोगों ने देखा कि पुलवामा हमला हुआ और हमारे देश के सैनिकों को शहीद कर दिया गया, और आज तक उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी जांच नहीं करा पाए हैं। कैसे हमारे देश में आतंकवादी घुस गए भाई? उनकी सरकार हमारी सरकार के रहते आतंकवादी कैसे घुस जाता है? यही उन्होंने कहा था आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो आज हम उनसे उनका ही सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में ये आतंकवादी किसके इशारे पर घुस गए, ये इतना बम, इतना RDS ले कहां से आए?
वो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह की साजिश करते हैं लोग, ये लोग, जिसमें कि आपने देखा कि हमारे सैनिक मारे गए, उसकी जांच नहीं हुई। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब उत्तर प्रदेश में आतंकवादी आ जा रहे हैं। भाई ठीक है, सत्ता शासन का काम है, लेकिन सवाल तो वही है जो सवाल आप सत्ता में आने से पहले पूछ रहे थे। वही सवाल हम लोगों का है कि आपकी प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, लखनऊ में कैसे आतंकवादी आ गया बम लेकर के, कैसे ये तो ये हिंदू और मुस्लिम करने का इनका पूरा वो है। ये चूंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है, रोजगार के मुद्दे पर फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोरोना काल का कुप्रबंधन आप सभी ने देखा ही, लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, सारी चीज़ों का इन्होंने जो भी पिछले की सरकार ने जो बनाया था उसको इन्होंने बेच दिया है। तो चुनाव तो अब देखिए जनता लड़ेगी, वो आम चुनाव है और इन भाजपा के गुंडों को जनता जवाब देने जा रही है 2022 में। जिस तरह से संजय जी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो पंचायत और प्रमुखी का चुनाव था, ये शासन सत्ता का चुनाव होता है, धन बल बाहुबल का चुनाव होता है, और जब 2022 का चुनाव होता है, इस चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 22 का चुनाव आम जनता वोट करेगी, आम जनता द्वारा वोटिंग होगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और 2022 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।